ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी रविवार को हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। रायसी के हेलीकॉप्टर को ढूंढने में बचाव दल को 18 घंटों का समय लगा। इसकी बड़ी वजह थी खराब मौसम और घना कोहरा, जिस वजह से घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंच नहीं पा रही थी। यह हादसा तेहरान से 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में अजरबैजान के प्रांत के पास हुआ। हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रायसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे। कुल 9 लोगों की हवाई हादसे में मौत हो गई। लेकिन अब रायसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे इसराइल की साजिश बताया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि इब्राहिम रायसी के साथ 3 हेलीकॉप्टर चल रहे थे, जिसमें एक हेलीकॉप्टर पर वो खुद सवार थे। ऐसे में 2 हेलीकॉप्टर सकुशल वापस लौट आए, वो खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार नहीं हुए, जबकि रायसी का अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। ऐसे में सवालों के साथ साजिश से लेकर हत्या तक के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि इसराइल ने रायसी की मौत के ऐलान होने के तुरंत बाद ही ये साफ कर दिया कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर इसराइल को इस मामले में बोलने के लिए किसी ने पूछा था क्या? इसराइल की सफाई को अब सोशल मीडिया पर चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह देखा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सीरिया के दमिश्क में इसराइल ने मिसाइल से ईरान के दूतावास की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी थी। इसराइल ने अप्रैल की शुरुआत में दमिश्क में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी की मौत हुई थी। जाहेदी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर थे। यही वजह है कि ईरान में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि रायसी की मौत के पीछे भी इसराइल का हाथ है। हालांकि अब तक के रिकॉर्ड देखें तो इसराइल ने ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को कभी निशाना नहीं बनाया है। जानकारों का ये कहना है कि इसराइल ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति को मारने का सीधा मतलब जंग का ऐलान करना होगा। जबकि इसराइल का काम करने का तरीका देखा जाए तो वो हमेशा से ही ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर से संबंधित लोगों को निशाना बनाता रहा है। इसके बावजूद इसराइल को रायसी के हेलीकॉप्टर के मामले में तुरंत ही सफाई देनी पड़ी और कहना पड़ा कि उसे इस हमले में घसीटा ना जाए। शक की बड़ी वजह ये भी है कि दुर्घटना के बाद इजरायली न्यूज एजेंसी कान ने दावा किया था कि किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। हालांकि इसराइल ने साफ तौर पर कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में कोई हाथ नहीं है। इसराइल भी बार बार ये कह रहा है कि ये घटना खराब मौसम की वजह से हुई है, जिसमें कि इसराइल का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि इजरायली मीडिया जेरूशलम पोस्ट ने रायसी को तेहरान का जल्लाद तक बताया, तो वहीं इसराइल के धर्म गुरुओं ने मौत पर जश्न भी मनाया। अप्रैल से इसराइल और ईरान के बीच विवाद गहराया है। अब खुलकर ईरान इसराइल को खत्म करने की बात करने लगा है। इसराइल के बहाने सीधा शक दरअसल मोसाद पर है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया भर में मशहूर भी है तो कुख्यात भी। मशहूर इसलिए कि वो अपने मिशन को 100% अंजाम देती है। कुख्यात इसलिए कि वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए सरहद पार ऑपरेशन करने के लिए जानी जाती है। अब जबकि ईरान और इसराइल के बीच कुछ सप्ताह पहले जमकर रॉकेट चले और मिसाइलें चली, तो उसके बाद फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान के आने से इसराइल और ईरान की दुश्मनी नए दौर में दाखिल हो चुकी है। वैसे भी इसराइल पर हमले कर रहे हमास, हिजबुल्ला और हुती को ईरान समर्थित और ईरान से सहायता प्राप्त संगठन माना जाता है। ऐसे में ईरान और इसराइल इनडायरेक्ट वॉरफेयर में उतर ही चुके हैं।